नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वसारूढं। बोलो शासन ने भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो वात्सल मूर्ति पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। काल संघ को मटके को या घड़े को आपका सहयोग मिल गया है और अच्छी तप्त आग के बीच में घड़ा अपने आप को तपाने की ओर तपने लगा है। कुंभ के बल का साहस मिला, उत्साह के पदों में आई चेतना, क्योंकि वह अपने आप को ये धारणा बना रहा है कि परिपक्वता मेरे लिए आने वाली है। और वह कह उठा कि मनवांछित फल मिलना ही उद्यमशील उद्यम की सीमा मानी है। ऐसा कहा गया कि जो उद्यमशील होते हैं प्रसारशील होते हैं, ऐसे प्रसारशील व्यक्ति को ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मात्र घर में सोचे बैठते रहते, सोचते ज्यादा करते कम है, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती। इस सुक्ति से स्मृति में रखता हुआ कारण यही कि पथ में विश्राम करना यह पथिक नहीं जानता। वह तो कहता है प्रभु से निवेदन फिर से कि अपूर्व शक्ति की मांग, ऐसे मुझे वह शक्ति, मैं अपनी परीक्षा में सफल हूं, यहां वह मांग कर रहा है। आगे क्या होता पेज नंबर 284 पे निकालेंगे। और आगे का प्रसंग होता है बढ़ता है, मुक्ति की ही नहीं मुक्ति की भी चाय नहीं इस घट में। मात भुक्ति ने उन्हें भोजन की अकेली इच्छा नहीं है ही नहीं मुक्ति की भी चाय नहीं इस घट में। वाह वाह की परवाह नहीं कि लोई मेरी प्रशंसा करे कि मैं बहुत बड़ा अच्छा मोक्ष मार्गी हूं, मोक्ष पे चलने वाला हूं, ऐसी परवाह करे कहने वाला हूं। प्रशंसा के क्षण में है ना, वाह वाह की परवाह नहीं प्रशंसा के क्षण में। ऐसा वह कभी वाह वाह ऐसी प्रशंसा के क्षण नहीं करना चाहता। दाय के प्रवाह में अब गाय करूं, कोई कुंभ कहता है मैं तो दाय के प्रवाह में अब गाह करूं, परंतु कितना भी दाय क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों भी ना हो, पर आय की तरंग भी कभी नहीं उठे। मुझे थोड़ी सी भी आय मेरे श्वास मेरे वचनों से ना निकले, मेरे मन में किसी प्रकार की आय ना हो, हमेशा एक ही बार सहन शक्ति हो, धैर्य हो, आय की तरंग भी कभी ना उठे इस घट में, संकट में, इसके अंग अंग में, रग रग में, कहीं पर भी ना हो। देखिए तरंग कभी ना उठे किसके, इस घट में यानी अंतरंग के घट में, संकट में होता है कि सुख में तो कोई आह नहीं निकलती, लेकिन दुख के समय आदमी पर बड़े बहुत दुखी हूं आह पीड़ा आदि की बात है उसके जीवन में आती है, पीड़ा में करायता है। पीड़ा में यह है अपने आप को दुखी मानता है,
दुख का अनुभव करता है, लेकिन सुख के समय तो यह चुपचाप रहता है। लेकिन इस घट की बात है कि मैं ऐसी कितनी भी दाय के प्रवाह में जाऊं, कितना भी आप ये आग मेरे ऊपर आए, पर मेरे मन में किसी प्रकार के अंग में रग रग में किसी प्रकार की कोई आह की तरंग ना उठे। विश्व का तामस आ भर जाए, सारी धरती का तामस अंधेरा भी आकर के भर जाए, कोई चिंता नहीं, सारा विश्व का तामस भी आकर के भर जाए तो भी कोई चिंता नहीं, किंतु विलोम भाव से, यानी तामस उल्टा कर दो तामस को तो क्या बन जाता है, समता। तामस का उल्टा कर दिया तो क्या बन गया, समता। बहुत अच्छा, तामस को भगाना हो तो समता को रखो, आलस और अज्ञानता अगर आपको दूर करना हो तो समता भावी व्यक्ति ही आलस और अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। जिनके जीवन में आकुलता हो वे कभी भी अपने अंदर के आलस और अज्ञानता को दूर नहीं कर सकते, हम उस अज्ञानता को दूर करना चाहते, उस अंधकार को दूर करना चाहते, मिटाना चाहते अपने आप के अंदर का अंधकार को, वह अंधकार हमारा दूर हो, पर अंदर इतना है कि समता पहले हो पर आलस नहीं दिख। कई लोग कहते महाराज समता का नाम आलस, बैठा शांत से चाहिए, आलस नहीं है। आलस वो होता है प्रमाद, पुरुषार्थशील व्यक्ति हमेशा सतत प्रयासरत रहता है, कितनी भी बार गिरे कितनी भी बार असफल हो पर वो सोचता है कि नहीं डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, वो है हमेशा। समता का अर्थ आलस नहीं है, समता का अर्थ विपरीत परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बनाए रखना, अपनी अनुकूलता अपना मनस में किसी प्रकार का संकलेश परिणाम नहीं करना ना होना, इसका नाम समता है। इसलिए तामस का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा, समता। हे स्वामी और सुनो, व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया है यह मैं, हे स्वामी कुंभ अपनी व्यथा अपनी बात रख रहा है कि व्यक्तित्व की सत्ता से मैं अपने व्यक्तित्व की सत्ता से पूरी तरह ऊब गया हूँ, हो गया है यह, और कर्तव्य की सत्ता में पूरी तरह डूब गया है। अब मैं व्यक्तित्व की नहीं, अपने बारे में नहीं, मैं ऐसा हूं ऐसे ये बताने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो अब कर्तव्य की सत्ता का पूरा की तरह डूब गया है, और मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, आपके मुदित मुख से बस बचना चाहता है प्रभु। मुदित मुख आपके मुदित मुख से बचना चाहता है, मौन मुस्कान पर्याप्त नहीं, अब तो मैं आपके इस मौन मुख की पर्याप्तता नहीं है, आपके मुदित मुख से बस बचना चाहता है प्रभु, अर्थात पूरी तरह आप में होना चाहता है। अब मुझे इस मुख दर्पण में रहने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बार बार ये प्रसन्नता देखने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप में ऐसा लीन होना चाहता हूँ, अपने आप में डूबना चाहता हूँ और कुछ नहीं, अब मुझे बाहर की मुस्कान की जरूरत नहीं है। परिणाम परिधि से अविराम अवधि से अब यह बचना चाहता है प्रभु। देखिए परिणाम क्या होगा उसकी सीमा से मैं रुकना चाहता हूं, अविराम अवधि से कब तक चलता रहूं, सीमा। अब मुझे ऐसा नहीं कब तक मैं ऐसा करता रहूं, उसकी अवधि से मैं अविराम निरंतर परिणामवर्तन फल की परिधि ऐसा कब मिलेगा,
ऐसा परिणाम अभिराम अविधि वो मंजिल कब तक आएगी, कब तक चलता रहूं, ऐसा इस प्रकार की। अब यह बचना चाहता है प्रभु, हे प्रभु रूप सरस से गंध परस से रहत परे, अपनी रचना चाहता है प्रभु, यानी मुझे वह सिद्धत्व चाहिए, मुझे वह सिद्धत्व और सिद्धत्व की अपेक्षा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब ये रूप रंग नहीं चाहिए, मुझे तो अंतरंग का वह है जिसका कोई रूप, यानी सरस से अच्छा सुंदर रूप, सरस का अर्थ होता है सुंदर, सरस का अर्थ होता है सुंदर रूप आदि से, और गंध परस से गंध सुगंध और दुर्गंध, परस यानी स्पर्श अच्छा कोमल है कठोर है, इस प्रकार के स्पर्श आदि से रहत परे अपनी रचना चाहता है प्रभु, स्वयं की रचना मेरी, यानी अर्थात ये कामना कर रहे मैं अंगातीत हूं, मुझे अब इस शरीर में रहने की जरूरत नहीं है, मैं राग रंग से परे होकर के अंतरंग में रहूं, अंगातीत अवस्था को प्राप्त करूं, वह सिद्धत्व प्राप्त करो अपनी रचना, जो कैसी है, संग सहित संग रहत हो जंग रहत हो शुद्ध लोहा, अब ध्यान गाय में बस पचना चाहता है प्रभु, संग यानी परिग्रह से रहत हो जंग से रहत हो, कौन सी जंग आपको बताएं, लोग कहते हैं महाराज जी मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी जंग कौन सी है, लोहा में जंग लगती है सूसी क्या हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है, उसकी कीमत घट जाती है, मनुष्य के जीवन में अगर सबसे बड़ी जंग है तो विषय और कसाय, कसायों की जंग जब जब भी तुम्हारे अंदर में लगी होगी आपका अंतरंग कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, कसायों की जंग से परे हो रहा हो अंतरंग, वही मैं क्या करना चाहता हूं, शुद्ध लोहा बनना चाहता हूं, ऐसा लोहा है, जंग लहा लगा हुआ लोहा सोना नहीं बनता, सोना कौन बनता है, एक लोगों की धारणा है कि पारस के स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, पर कौन सा सोना सोना बनता है, लोहा सोना बनता है, जंग लगा कोई भी लोहा, बिल्कुल नहीं, लोहा भी शुद्ध होना चाहिए, जंग लगे लोहा कभी सोना नहीं बनता। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग है कि एक व्यक्ति से कहा कि जाओ, कथा है प्रसंग है, हमारे जहां हम बैठे हैं वहां एक लोहे की डिब्बी में एक पारस पत्थर रखा है, उस पारस पत्थर को उठा लाओ। उन्होंने कहा ठीक, पूछते हैं ये पारस पत्थर की विशेषता क्या है, बोले इस पारस पत्थर की विशेषता ये है कि ये लोहे को सोना बना देता है। वो कहता है गुरुजी मैं एक बात पूछूं, बोले कि आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो, आप कह रहे हो कि ये लोहे को सोना बना देता है लेकिन ये पारस पत्थर स्वयं लोहे की डिब्बी में रखा है, ये स्वयं पारस पत्थर काय में रखा हुआ है, लोहे की डिब्बी में रखा है, डिब्बी को तो सोना नहीं बना पाया,
फिर दूसरे लोहे को सोना कैसे बनाएगा? बोले कि तुम्हें बताते हैं। और वहीं एक शुद्ध लोहे का टुकड़ा पड़ा था, पारस को स्पर्श पाया, वो सोना बन गया। देखो हमारी बात समझ में आप समझ रहे हैं? तो वो कहते मैं तुम्हारी बात भी समझ रहा हूं कि आपके मन में जिज्ञासा ये है कि इस डिब्बी को सोना क्यों नहीं बना पाया ये। बोले कि तुमने गौर से देखा क्या हो उसको? गौर से देखा होता तो तुम्हें पता चल जाता, तुम्हें समाधान मिल जाता कि इस पारस ने उस डिब्बी को सोना क्यों नहीं बना पाया। क्या विशेषता थी? बोले कि विशेषता क्या थी? जब तुमने डिब्बी खोली तो पारस पत्थर कैसा था? बोले कि एक लाल से कागज के कागज में लिपटा हुआ था। किसमें था? कागज के उस लाल से कागज में लिपटा हुआ था और उस डिब्बी में रखा था। अच्छा बात ऐसी है, एक छोटा सा कागज, देखिए एक छोटा सा कागज कितना पतला होता है, कितना हल्का होता है, लेकिन कागज में क्षमता देखो कितनी है कि डिब्बी को सोने बनने से रोक देता है। उसने सोना नहीं बनने दिया उस डिब्बी को। एक डिब्बी में इतनी पात्रता है कि वो सोने की बन सकती है, पारस उसके साथ संयोग है, लेकिन एक लाल कागज कहता कि जब तक मैं रहूंगा तब तक तू कभी सोने बनने वाली है ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उदाहरण किसके लिए दिया होगा, बताओ? आपके लिए है ना? सोचो कि तुम्हारे अंदर अच्छा शरीर मनुष्य पर्याय मिली, ये डिब्बी की तरह हो गई, ठीक है? और आत्मा क्या है? पारस पत्थर है। लेकिन उस आत्मा में आपको लोहे का अच्छा मनुष्य पर्याय जैसे मोक्ष जा सकते हैं? मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है जो मोक्ष जाने की पात्रता रखती है, अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये कारण उसमें बैठा हुआ है, मात्र छोटा सा लाल कसाय रूपी कागज किसके ऊपर रखा हुआ है? उस आत्मा को, जो पारस के समान ऐसी है, जो इस शरीर को लोहे क्या स्वर्ण बना सकती है, इस पर्याय को धन्य कर सकती है, इस पर्याय से वह मोक्ष जा सकता है आत्मा, लेकिन मात्र एक कसाय की परिणति से ढकी हुई आत्मा पारस पत्थर जैसे समान हुआ है आत्मा उसके जीवन को सोने जैसा बनाने से रोक रही है। और आप रोकने में अच्छे से कागज हटाने का प्रयास करना है कि कारण को बढ़ाने का प्रयास? तो नहीं, एक कागज फट जाएगा, एक और रखो। जैसे कई लोग पुड़िया बना देते ना एक ऊपर एक, आजकल बर्थडे वगैरह होते हैं तो कोई गिफ्ट आता है उसके लाने, तो आजकल बड़ा हंसी मजाक बनाया जाता है, एक छोटी सी चीज होती है कोई गिफ्ट में, और गिफ्ट का डिब्बा बनाते हैं इतना बड़ा, उससे वो खुलता है, एक डिब्बे के अंदर फिर दूसरा डिब्बा, फिर डिब्बे के अंदर एक डिब्बा और, वो थक जाता है निकालते निकालते, और होगा फिर देखता है उसके अंदर फिर एक पैकेट, फिर उसके अंदर फिर एक पैकेट, बाद में पता चला उसमें चीज निकली का इतनी सी। भैया जितना पैकिंग करने में तुमने इतनी मेहनत की, काश अगर बिना पैकिंग करके दे देते तो लोगों को। यही तो विशेषता है, ऐसी मजा नहीं आता। वैसे ही भैया आत्मा की दशा भी, तुमने डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, कागज के अंदर कागज, डिब्बी के अंदर डिब्बा, कितने कसायों की, बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे मोटे नहीं है, एक भाव की हो तो बात एक बताओ,
कितने भाव से आत्मा में कसाई की संगति का रंग चढ़ा हुआ है, बहुत, एक भाव का नहीं है, अनेक भावों का है, भाव भावों का है, और भाव भावों का कसायों का रंग उतारना एक भाव में उतरने वाला भी नहीं है, भी पक्का है, वही है अंतरंग में ये संग में शुद्ध लोहा बनना। आज के समय में शुद्ध लोहा भी मिल जाए तो बहुत है, है? बड़ा लोहे की कीमत भी बहुत होती है, एक देखो लोहा तो बहुत सारा है। किसी ने पूछा था कि बताओ एक कील की कीमत कितनी हो सकती है, बोले कोई नहीं, पड़ी रहती कहीं भी पड़ी रहती है, कहीं भी पड़ी रहती है, लेकिन उसी कील को अगर अच्छे से तपा के ठोक पीट करके बढ़िया अच्छा एक छोटा सा पुर्जा तैयार कर दिया जाता है। अभी देखते हैं कई लोग आकर के कहते हैं कि एक वही लोहे का है संस्कारित करके बना करके ठोक पीट करके मान लो कोई एरोप्लेन का एक छोटा सा पुर्जा बना दिया जिसके बिना वो उड़ने वाली नहीं है। अब आप देखेंगे वही लोहे की कील थी जो पहले रोड पे पड़ी थी, लोग लातरों लाने डाले थे, और उसी को उसने अच्छा सा ठोक पीट करके संस्कारित करके उसको ढाल करके एक उसका प्लेन का या कोई अच्छा यंत्र का किसी यंत्र का पुर्जा बना दिया। कीमत कितनी है, बोले लाखों रुपया। यहां नहीं मिलने वाला क्योंकि फलानी कंपनी का ही चाहिए, छोटा सा पुर्जा 1 लाख रुपए का हो जाता है। कीमत सिर्फ संस्कार की है, डलने की है, उपयोग की होती है, वही है लोहा, शुद्ध लोहे की ही कीमत होती है। स्वर्ण बनने की क्षमता शुद्ध लोहे में ही होती है। पारस पत्थर तो मिल सकते हैं पर शुद्ध लोहा बनना जरूरी है। हमारे यहाँ भगवंतों के लिए कहा, भगवान आपके चरण तो पारस पत्थर के समान है, पर हमारी कमी है कि हम थोड़े जंग लगे लोहे नहीं बन पाए आज तक, है नहीं, जंग से रहत लोहा नहीं बन पाए। कारण वही है कि आज तक हम सोने जैसा अपना जीवन नहीं बना पाए। काश अगर हमारे कसायों से रहत जीवन बना होता, या एक भाव भी हम कसाय रहत होकर के जीवन जिए होते, तो नियम से हमारा स्वरूप भी सिद्धत्व की तरह होता, उन सिद्धों की अनुभूति का कारण बनता। बस वही है आचार्य ने मुख माटी, यहाँ पे भगवान उस कुंभ ने मुझे उस माध्यम से मुझे वो चाहिए जो गंध रहत है, रूप रस से रहत हो, और रहत परे अपनी रचना संग रहत हो, जंग रहत हो, शुद्ध लोहा। अब ऐसा वह लो ध्यान दाय में बस बचना चाहता हूं प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब उस ध्यान में पचना यानी जाकर के बिल्कुल पच जाना, उस रम जाना, उस मैं हो जाना चाहता हूं। ऐसी प्रभु की प्रार्थना, कुंभ की तन्मयता, ध्यान दाय की बात, ज्ञान राय की बात सुनकर अग्नि बोलती है बीच में, ये जब उसकी भावना सुनी उस कुंभ की, और ऐसा जब सब कुछ सुना और सुन करके अग्नि बीच में बोलती है, युगों युगों की स्मृति है, बहुतों से परिचित हो, साधु संतों की संगति की है। कौन? अग्नि अभूक मन में ऐसा विचार, साधु संगतों की संगति की है, ध्यान की बात करना, और देखिए ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना कितना अंतर है। आज अपन कहते ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम ध्यान करने हैं, ध्यान करना है,
ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आज वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं, बड़े बड़े ध्यान की बात करने वाले ध्याता होंगे, वक्ता होंगे, कराने वाले होंगे, बाद में पता चला कि ये ध्यान काय को करा रहे, बोले कि इनकी फीस है ध्यान कराने की कितनी, बोले कि 10,000, कोई कहता है 11,000 महीने का। आपको ध्यान कराने का पूछा, अच्छा आपका ध्यान वही है। इन दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। बड़े बड़े ध्यान केंद्र खोल दिए, ध्यान केंद्र बना दिए, अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो गया नहीं। लो, ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है। कुछ पंक्तियां क्या है प्रस्तुत है, कैसे? इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं, दो मानव, एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को ढूंढता है। एक अपने आत्मा में धुन रहा है, लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं, मेरा और संसार के राग रंगों से मेरा कोई संबंध नहीं, उसमें ढूंढता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त, कुछ ही क्षणों में दोनों होते हैं विकल्पों से मुक्त। देखिए, एक मद्यपान पीने वाला जब अच्छे शराब का नशा होता है, उससे पूछो क्या, अभी कोई पता नहीं, मजे में है वो, तो शराबी से पूछो कोई विकल्प, अरे काय को विकल्प, अभी तो झूम रहा हूं ऐसे लोक में, उस समय तो वो सोचता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा दुनिया में और कोई सुखी है ही नहीं है। वाह, जब चढ़ जाती है तो रम जाता है, बिल्कुल झूमने लग जाता है, वही भोग राग मद्यपान को चुनता है और एक त्याग आत्म ध्यान को ढूंढता है। कुछ ही क्षण में दोनों होते विकल्प से मुक्त, फिर क्या कहना, एक शव के समान निरापड़ा है। गली में जाकर के पूछा जाए कहीं पर भी आपको एक बहुत अच्छी, ऐसी व्यक्तियों की दशा क्या होती है, बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं कि ऐसे ही एक व्यक्ति महाशय थे, प्रतिदिन शाम जैसे ही होती है और उनकी शाम बिल्कुल काम से हो भागे और भाग करके सीधे कहां पहुंचते हैं, बोले मधुशाला में। मधुशाला पहुंच करके वहां का मद्यपान करके और जब भी झूमते हुए आते हैं तो वो आए, रास्ते में हुआ ये कि अब जब शरीर बैलेंस हो तो खड़े हो पाए, नहीं अनबैलेंस हो गए, जाकर के कांगरे नाली में वहां पड़े हैं। काल्पनिक सत्य घटना सुना, देखी हुई आंखों की। अब वहां उसमें पड़े पड़े क्या चिल्ला रहे हैं, गाली किसको दे रहे हैं, नगर पालिका वालों को, नगर पालिका वालों को गाली देते हुए कह रहा है कि नगर पालिका वाले कितना बुरा काम करते हैं कि दिन में तो नालियों को साइड में कर देते हैं और रात में रोड पर रख देते हैं, जिन्हें कि वहां पर ये वो गाली दे रहा है, किसको दे रहा है, ये नगर पालिका वाले कितने खराब हैं, दिन में नाली को साइड में कर देते हैं और रात्रि में रोड के बीचों बीच भर देते हैं। और चिल्ला रहा है, बार बार कह रहा है इनको हटाओ, उनके परिवारजन को कहा कि भैया जाओ निकाल के लाओ, वे पड़े हैं पूरे के पूरे।
सने भय। अब वहां जाकर के जब उनसे पूछा दूसरे दिन, क्यों भाई कल तो तुम यहाँ ऐसे ऐसे यहीं पर उड़े थे, वहीं मिल गए वो। और आकर के उनसे कहा कि कल मालूम है तुम कहाँ आते? बोले कहाँ आते? बोले ये नाली में डरे थे। अच्छा, हम नाली में थे? कैसे कहते? कौन ले गया था? बोले कि ले जाने वाला कोई और था, तुम्हें पता नहीं? बोले कि मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं कहाँ था, लेकिन इतना ही है कि जब घर आए, जब शाम को देखा तो हाथ छिले जरूर थे, हाथ में दर्द बहुत है, कछु लग गओ है। कहाँ लग गया भैया? वाह, समझ में आ जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि मदहोश व्यक्ति, मद्यपान वाला व्यक्ति भी पता नहीं कहाँ, कौन सी दुनिया में रहता है, उसे भी पता नहीं रहता। और एक उस ध्यान में डूबा हुआ व्यक्ति, उसे भी कोई पता नहीं। लेकिन अंतर इतना है, एक का जीवन एक शव के समान निरा पड़ा हुआ है और एक शिव के समान खरा उतरा है। एक शव बन गया और एक शिव बन गया। शिव बनने वाले कम है और शव बनने वाले बहुत ज्यादा है। अब अंतर इतना है कि कुछ अपने यहाँ मदरा भी कई प्रकार की उसको कह सकते हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो आदमी के शरीर को ही मदहोश करती है, लेकिन एक मदरा जो हमारे आचार्य और भगवंत ने कहा कि मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरवा दे। मोह रूपी मदरा तो इतनी खतरनाक है, इतनी है कि जो पी करके भी आदमी सोचता है कि नहीं हमें नहीं पिए, हम शराब नहीं पीते। मोह की मात्रा बहुत है उसमें, तो इतना मधुर मत है कि दिन हो चाहे रात हो लगा हुआ है मोह माया के जाल में, वो मात्रा उतारना है। ऐसा जब उसने अग्नि के मुख से ये संदेश सुना, सुनकर के प्रमुख चिंतकों दर्शकों तत्वविदों से भी ऐसी अनुभूत परख पंक्तियां प्राय नहीं मिलती जो आज अग्नि से सुनने को मिली है। हमारा जीवन सबका है कि शिव का है, ये सोचने की जरूरत है। जीवन में शिव बनने वाले बहुत कम मिलेंगे और सब बनने वाले तो अनादि काल से कितने अनंत अनंत जीव है। कितनी बार एक श्वास में आठ दस बार जन्मो मरो भयो दुख वार, जन्म है मरण है, जितने में अपन ये कह रहे हैं उतनी बार में एक श्वास अपन जितने में लेते हैं, कितने जीव कम से कम 18 बार जन्म और मरण हो चुका होता है उन सूक्ष्म निगोदिया जीवों का। ये दशाएं है संसार की विचित्रताएं, जन्म मरण की इस प्रक्रिया को। और ऐसा सुनते ही अग्निश के सब मुख से मिली यह सोचता हुआ कुंभ दर्शन की अब अबाधता और अध्यात्म की अगाधता पाने अग्नि से निवेदन करता है, पुनः और कुछ बताओ। उसे अग्नि से निवेदन करता है पुनः, क्या दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं? बहुत आपको बहुत अच्छी एक मतलब की बहुत अच्छे क्या इसमें ऐसा देंगे, क्या दर्शन और अध्यात्म, दर्शन से अर्थात सिद्धांत लेना है यहां पर। जैसे आपका दर्शन कौन सा है? जैन दर्शन। दर्शन का अर्थ ये आंख में देखना नहीं है, ये दर्शन का अर्थ क्या है? आपके दर्शन के अनुयायी हो, किसको मानने वाले हो, किस दर्शन को अपने जीवन का आचरण बना करके जीने वाले हो, उसको दर्शन कहा। अर्थात हमारी एक आचरण पद्धति, हमारे जीने का तरीका, जिसको हम आस्था का विषय बनाते हैं, वो दर्शन। तो यह लिखा दर्शन और अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ किसी कहते हैं? अध्यात्म अधि आत्मनि वसति इति अध्यात्म, जो अपने आत्मा के निकट वसे वास करे उसका नाम अध्यात्म है। आज क्या हो, अध्यात्म मात्र बातों में, आत्मा के निकट नहीं,
वास करे वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म के निकट रहकर के जो अपने आप में उस सम्मुख बनाए रखे वही समय अध्यात्म है। चर्चा करने से नहीं समय सार आता है, चर्चा के साथ साथ उस समय सार को आत्म चिंतन का विषय, आचरण का विषय जब हम बनाते तब हमारे जीवन में समय सार आता है। सुनने मात्र से समय सार मिलने वाला नहीं है, सुनकर के आचरण में लाने से अपने समय सार का सार मिलने वाला है। वही अध्यात्म है, एक है। देखिए दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं, प्रश्नवाचक लगा करके। क्या इनमें पूज्य पूजक भाव है? पूज्य कौन और पूजक कौन भाव है? यदि हो तो पूज्य कौन और पूजता कौन, पूजता कौन है, ऐसा है ना। पूज्य कौन और पूजता कौन, क्या इसमें कार्य कारण भाव है? यदि हो तो कार्य कौन कारण कौन, इनमें बोलता कौन और मौन कौन, ध्यान की सुगंधी किससे फूटती है और उसे कौन सुनता है, अपनी चतुर्सी चातुरी नासा से, चातुरी नासा से मुक्ति किसे मिलती है, तृप्ति किसे मिलती है, बस इन दोनों की मीमांसा, मीमांसा का समीक्षा, जानने की इच्छा का नाम मीमांसा, विशेष रूप से मीमांसा। सुनने मिले इस युग को, ये किसने को प्रश्न किए हैं? कुंभ ने पुनः आपके सामने उसने अपनी प्रश्न रखे हैं। कौन है? अध्यात्म है, दर्शन है ना। किसे कहते हैं पूज्य और पूजक, कौन पूजता है और कौन पूजता है, पूजता कौन, कार्य कारण और ये सब, बोलता कौन मौन कौन, ध्यान की सुगंधी किसे फूटती है, ये कौन सुनता है अपनी चातुरी नासा से, मुक्ति किसे मिलती है, तृप्ति किसे मिलती है, बस इन दोनों की मीमांसा सुनने मिले इस युग को। आगे इस पर अग्नि की देशना प्रारंभ होती है। इस पर किसकी? अग्नि की देशना प्रारंभ होती है। सो सुनो तुम, और तुम भी सुनो, हम भी सुने, हम सब सुने। दर्शन का स्रोत मस्तक है, आदमी का विचार। दर्शन का स्रोत क्या है? मस्तिष्क है। स्वस्तिक से अंकित हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। स्वस्तिक का अंकित मरता, स्वस्तिक किसी कहते हैं? स्वस्तिक जिसमें सर्व कल्याण की भावना जिसके हृदय में समाई हो। आज अपन स्वस्तिक का कोई भी काम करते हैं, जैसे ये बना दिया प्रतीक चिन्ह, स्वस्तिक का भारत अर्थ स्वस्ति, स्वस्तिक अर्थ होता कल्याण। आप लोग पढ़ते हो इसका कल्याण है, स्वस्ति क्रियासो परमर्षियो ना, ऐसी मेरी स्वस्ति क्रिया कल्याण की क्रिया मेरे जीवन में परमार्थ का कारण है। वही है स्वस्तिक से अंकित हृदय से, उसका हृदय किससे अंकित है? स्वस्तिक से, हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। वहीं पर जहां सबके कल्याण की भावना समाई हो उसके अंदर ही अध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हां दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हां बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। इतना निश्चित है कि अगर तुम अपने आप के नजदीक नहीं हो, उसको जानने का प्रयास नहीं करोगे, तो आप बिना
अध्यात्म के सही सम्यक विचारधारा होना संभव है ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क की विचारधारा व्यक्ति के हृदय पर आधारित हो। लोगों से अपन क्या कहते हैं, जिसके मन में जैसा, हृदय में जैसे विचार होते हैं वही उसके आचरण का कारण होता है, वैसी सोच होती है। जैसा आपका हृदय दूसरों के प्रति होगा, उसके हृदय विचारों में भी वही भाव होता है, वाणी में भी वही होता है। वाणी में मधुरता है तो सबसे पहले किसी के अंदर, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम भाव के भाव नहीं है तब तक तुम मधुरता के भाव आ ही नहीं सकते। वही विशेष रूप से उसके हृदय का बात कहा गया कि दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हाँ बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। कैसे? उदाहरण दिया है, लहरों के बिना सरोवर हुआ, जैसे तालाब है, हवा नहीं चलती, बिल्कुल शांत हो तो बिल्कुल सरोवर भी बिल्कुल शांत हो सकता है। लहरों के बिना सरोवर हुआ है, रह सकता है, रहता ही है, पर हाँ बिना सरोवर के लहर नहीं। लहर होगी तो कहाँ होगी? उस सरोवर में ही होगी, सरोवर में ही होगी। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, पराधीन नहीं। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, दर्शन पराधीन उपनयन। चश्मा, अगर आंख है तो चश्मा है, और आंख ही नहीं है तो चश्मा के क्या काम है, है ना? चश्मा की नयन हो तो उपनयन की जरूरत है, अगर नयन ही नहीं है तो अब उपनयन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। वही है अध्यात्म स्वाधीन नयन है और दर्शन पराधीन उपनयन है। दर्शन में दर्श नहीं शुद्ध तत्व का, दर्शन से आसपास ही झूमती है तत्वता और वितत्वता। वह यानी कभी सत्य रूप कभी असत्य रूप दर्शन होता है, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चिद रूप भाषित होता है। ये दोनों में अंतर बता दिया, दर्शन और अध्यात्म का। आपने पूछा है कि अध्यात्म कभी वो तो सत्य है, स्वरूप है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा जो आज है वो आगे भी रहेगा, आगे था रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दर्शन में परिवर्तन हो सकता है, देखने का तरीका में परिवर्तन हो सकता है, सोच में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है, स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है। अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त जीवन दर्शन का होता है। बहुर्मुखी, बहिर्मुखी और बहुमुखी प्रतिभा ही, एक दो बात है, बहिर्मुखी यानी बाहर की ओर दृष्टिपात करने वाला, और बहुमुखी जिसके अंदर अनेक गुण है, अनेक प्रतिभाएं, अनेक विशेषताएं, ऐसा बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती हैं। लेकिन अंतर्मुखी, बंधमुखी, चिदभा निरंजन का गान करती है। निरंजन उस आत्म स्वरूप का ही गान करती रहती है, बाहर की प्रतिभा नहीं, अंतरंगी की प्रतिभा का स्वरूप बंधमुखी चिदभा। चिद याने आत्मा और भा याने आभा, चिदभा ऐसा, चिदाभा ऐसा कहा कि चिद की आभा याने आत्मा की जो आभा है, जो अंतर्मुखी है, बंधमुखी है, जो निरंजन का गान करती है। दर्शन का आयुध शब्द है विचार, दर्शन का आयुध है क्या है? शब्द है विचार, और अध्यात्म निरायुध होता है।
उसका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि जो दूसरों को लड़ने झगड़ने जाना हो तब अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, जो अपने आत्ममय हो उसे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती, निराजित होता है। सर्वथा स्तब्ध निर्विचार एक ज्ञान गे भी, एक ध्यान धे भी, एकत्व रूप एक स्वरूप में मात्र, और कोई अध्यात्म के विकल्प होता ही नहीं है। तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतर नहीं, बाहरी दृश्य ही दिखते हैं उसे। वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है, सरोवर की भीतरी भाव भाषित होता है उसे, बाहर जगत का संबंध टूट जाता है। दोनों सरोवर में तैर रहे हैं, एक बाहर तैर रहा है और एक गया और सीधी छपाक सीधी डाई लगा करके अंदर चला गया। अब उसे बाहर जगत से कोई मतलब, वो अंदर ही अंदर उसकी शीतलता का अनुभव कर रहा है। ये दोनों में अंतर है। ऐसी अध्यात्म और दर्शन की ये तुलना कितनी अच्छी सुंदर व्याख्या है। भाषित होता है बाहर जगत का, उसका संबंध टूट जाता है। आहा हा हा वाह वाह, कितनी गहरी डूब है यह। दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को। ये दर्शन और की मीमांसा यहाँ पे, और कुंभ ने हम सुनी, वो कहता वाह आ इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्याख्या, कितनी गहरी डूब है दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा। ऐसा और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को। फिर क्या हुआ सो सुनो। साधुवाद स्वीकारताती सी अग्नि धधक उठी। उसने जैसा कहा साधुवादता स्वीकार करती हुई धधनी अग्नि धधक उठी। बाहर भले ही चलता हो मीठी मीठी शीतलता ले, उषा काल बात हो है ना, कालीन बात हो। देखो आप ये मत सोच लेना कि मेरी धधक उठा है, बाहर से भले ही चलता हो मीठी मीठी अच्छी ठंडी हवा, मीठी मीठी शीतलता से ले, उषा उषा काल यानी प्रभात काल की जो हवा होती ना, आप जाओ कितनी भी गर्मी हो प्रभात काल की हवा में अगर आप एक बार निकल जाओ तो सारे दिन की एनर्जी और सारे दिन की थकान दूर हो सकती प्रभात काल की हवा में। पर उसका कोई प्रभाव नहीं हवा पर, तापमान का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है, दिन में रात में प्रताप में प्रभात में कुछ अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो आग लग चुकी है, और लग चुकी है तो अब तो वो आग प्रभात में हो चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, उसका ही प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। रुक रुक कर रुख बदलता काल, इंधनों कहाँ मिलता है हवा में काल का विभाजन, रुक ही गया अक्षुण अखुन काल का प्रवाह, बस बस बढ़ता ही जा रहा है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन उसका प्रताप हमेशा, क्योंकि अब आग तो धधक रही है, हवा का अब काल का कोई विभाजन नहीं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, उसमें तो अब निरंतरता बनी है। रुक ही गया अक्षुण अखंड काल का प्रवाह, अब काल का कोई प्रभाव है बस। ऐसा इस प्रकार अब करते हुए आगे की बात समझेंगे और बाद में, आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय।
स्वामी दे।